नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड, मतलब सबसे बेस्ट वाला स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक, स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को आज कि आप सबसे बेस्ट वाला स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है और किससे आप करें जो सबसे अच्छा वीडियो क्वालिटी रहेगा, आपका सबसे अच्छा कंटेंट रहेगा और सबसे बेटर रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कौन सा ऐसा ऐप्स है जिसे आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, सबसे अच्छा एडिटिंग भी होगा और बहुत अच्छी तरह से आपका कंटेंट भी बनेगा। और मैं पूरी सेटिंग के भी बारे में बताऊंगा कि कैसा सेटिंग रखना है और क्या रखना है ताकि आपको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए। और बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यहाँ से। उसके बाद एक लाइक कर दें, उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट कर दें यहाँ पे, या फिर आपको कैसा वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दें। ठीक, तो चलिए गाइस आते हैं टॉपिक्स पर, बताता हूँ कौन सा ऐसा वीडियो एडिटर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है। ठीक, तो चलिए आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में सबसे बेस्ट वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर है, सबसे बेस्ट ये वाला, देख लीजिए गाइस। सबसे ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में ये है आपका सबसे बेस्ट वीडियो रिकॉर्डर। ठीक, तो गाइस इसको सिंपली आप देख सकते हैं, 10 मिलियन यूजर्स मतलब डाउनलोड कर चुका है और पसंद भी किया है। तो आप इसको इंस्टॉल सबसे पहले कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको। मैं यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। आपको इस तरह खुलेगा, उसके बाद आप सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे आपको ये वाला फर्स्ट वाला जो सेटिंग रखना है, ये ऑटोमेटिक रख सकते हैं या आप पोर्ट्रेट रख सकते हैं या लैंडस्केप। ठीक, तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट रखता हूँ, अच्छा रहता है। ठीक, उसके बाद या ऑटो भी रख सकते हैं, यहाँ पोर्ट्रेट नहीं ले रहा है तो ऑटो रख दीजिए। उसके बाद यहाँ वीडियो क्वालिटी में आप सबसे ऊपर वाला रखें, अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद वीडियो क्वालिटी 5 सबसे ऊपर रखना। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद EMPS ये वाला आप 60 रखें, ठीक, अच्छा रहता है। उसके बाद लोकेशन, वीडियो लोकेशन आप जिसमें रख सकते हैं, इंटरनल या स्टोरेज जिसमें रख सकते हो। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड इसमें होगा। उसके बाद VIP वाटरमार्क ये वाला आपका हटेगा नहीं, जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो सिर्फ डू रिकॉर्ड लिखा हुआ रहेगा। कोई कार रिपेयर सिस्टम UI क्रेस इसको ऑन रखना है। उसके बाद हाइड द रिकॉर्ड विंडोज डूइंग रिकॉर्डिंग, तो इसको हाइड करके रखना है, ऑन नहीं करना है। सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्ड, इसको अगर आप ऑन करके रखते हो, अगर हिलाते हो तो आपका सेव हो जाएगा वीडियो, तो आप ऑन भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते। उसके बाद इसको 3 में रखना है, ठीक है वाला, या फिर 9 काउंटर डाउन में रखना है। उसके बाद बस इतना ही सेटिंग है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप जो रिकॉर्ड करते हो वो वीडियो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आप वीडियो एडिट कर सकते हैं वीडियो को। उसके बाद यहाँ से ट्रिम मतलब काट सकते हैं वीडियो को, यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ को यहाँ पर वीडियो टू MP3 कर सकते हो। तो गाइस ये सबसे बेस्ट ऐप से मेरे तरफ से। ठीक, तो इसको आप एक बार इंस्टॉल करके आप लोग देख लें, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा वीडियो रिकॉर्ड भी होता है, अच्छा क्वालिटी भी होता है और बहुत ही बढ़िया मतलब लाजवाब लगता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर यूज करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से बाय बाय।